क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स माइनस वन इज फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये सभी केसेस 1 से लेकर 4 तक जो भी दे रखे हैं, इनमें के की वैल्यू फाइंड करनी है जब जब एक्स माइनस वन इन सभी का फैक्टर होगा। तो अगर फैक्टर होगा एक्स, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे और इनमें पुट करेंगे, तो जो भी बचेगा वो आएगी हमारी के की वैल्यू। ठीक है, तो चारों इसी वीडियो में सॉल्व करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले करेंगे हम, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या दे रखा है हमें, एक्स माइनस वन, तो इसे रखेंगे हम x माइनस वन और इक्वल में रखेंगे 0, तो x की वैल्यू निकालेंगे। माइनस वन को दूसरी तरफ भेजेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल्स टू 1। यानी कि जहाँ पर भी इस पॉलिनोमियल में x है वहाँ पर हम पुट करेंगे 1 और सोल्व करेंगे, k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें पुट करते हैं x की जगह पर 1 फर्स्ट में। ठीक है, तो पी एक्स की जगह पर रखना हमें 1, तो यहाँ पर रखेंगे हम 1 इक्वल्स टू में एक्स स्क्वेयर यानी कि 1 का स्क्वेयर प्लस में एक्स यानी कि 1 प्लस में के। तो सॉल्व करेंगे इसे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वेयर 1 ही होगा और प्लस में 1 प्लस में के इक्वल्स टू में कर लेंगे 0। ठीक है, क्योंकि इसका फैक्टर, अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है, सोल्व करने पर और 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 प्लस में के, तो 2 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, 2 इधर प्लस में है, दूसरी तरफ जाकर माइनस में हो जाएगा, तो के की वैल्यू क्या आएगी, के इक्वल्स टू में माइनस 2। ठीक है, फर्स्ट वाला जो है उसमें के की वैल्यू आ गई माइनस 2। इसी तरह सेकंड में, सेकंड का भी फैक्टर यही है, तो इसमें भी एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पी एक्स यानी कि 1 इक्वल्स टू 2x स्क्वेयर यानी कि 2x स्क्वेयर यानी कि 1 का स्क्वेयर प्लस में kx, x की जगह पर 1 प्लस में रूट 2, तो इसे भी सॉल्व करेंगे इक्वल में 0 रख लेंगे। ठीक है, तो 1 का स्क्वेयर 1 और 1 को 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 का स्क्वेयर 1 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 टू जा 2 प्लस में k को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर एज इट इज रहता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता, तो ये हो जाएगा k और प्लस में रूट 2 इक्वल्स टू 0। तो 2 और रूट 2, ये 2 प्लस का है और ये रूट 2 भी प्लस का है, दोनों को दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा k इक्वल्स टू में माइनस 2 माइनस रूट 2। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा k की वैल्यू, और इसको थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इसको किस तरह से भी कर सकते हैं, अगर इनमें से माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, 2 प्लस में रूट 2, तो दोनों आंसर हो सकते हैं आपके, ये भी आंसर हो सकता है ये भी। ठीक है, इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, तो माइनस ब्रैकेट 2 प्लस रूट 2 भी आंसर हो जाएगा और ये भी। ठीक है, इसी तरह थर्ड को सॉल्व करेंगे, जहां पर x की जगह पर पुट करेंगे हम 1, क्योंकि x माइनस 1 इसका फैक्टर है और यहां से वैल्यू निकालेंगे तो 1 आएगी x की। ठीक है, तो इसमें 1 पुट करेंगे, पी एक्स एक्स यानी कि 1 इक्वल्स टू में के एक्स स्क्वेयर यानी कि के एक्स यानी कि 1 का स्क्वेयर माइनस में रूट टू एक्स, रूट टू मल्टीप्लाई में एक्स यानी कि 1 प्लस में 1, तो इसे सॉल्व करेंगे इक्वल में कर लेंगे 0, क्योंकि इसका रिमाइंडर, अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर आएगा हमारा 0। ठीक है, तो 1 का स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर 1 ही होगा और 1 को के में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, के एज इट इज रहेगा। उसके बाद क्या है, रूट टू मल्टीप्लाई में 1, तो रूट टू को भी 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा माइनस रूट टू और प्लस में 1, तो इन्हें भी जो भी k के अलावा यहाँ पर है उसे दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, तो k की वैल्यू क्या आएगी, k इक्वल्स टू में माइनस रूट टू, माइनस रूट टू को दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो प्लस का रूट टू और प्लस 1 को दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो माइनस 1, तो k की वैल्यू आ जाएगी थर्ड में रूट टू माइनस में 1। ठीक है, इसी तरह फोर्थ में देखते हैं, फोर्थ में भी हमें 1 पुट करना है, तो पी एक्स यानी कि 1 इक्वल्स टू में के एक्स स्क्वेयर यानी कि 1 का स्क्वेयर माइनस में 3 एक्स यानी कि 3 मल्टीप्लाई में एक्स की जगह पर 1 प्लस में के, इसमें के दो जगह पर है। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सॉल्व कर लेना बस। ठीक है, तो के 1 का स्क्वेयर 1 और 1 को के में मल्टीप्लाई करेंगे
के ही रहेगा। उसके बाद माइनस, माइनस में थ्री मल्टीप्लाई में वन, तो माइनस थ्री को वन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस थ्री ही रहेगा, और प्लस में के, ठीक है। तो के प्लस के, के में के को प्लस करेंगे तो टू के माइनस थ्री इक्वल्स टू में जीरो कर लो क्योंकि रिमाइंडर जीरो आएगा, तो ये हो जाएगा के माइनस थ्री को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा थ्री, और टू जो है वो के के साथ मल्टीप्लाई में है, इसे दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा डिवाइड में जाके, ठीक है। तो के की वैल्यू आएगी थ्री बाई टू, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, जो भी हमारी एक्स की वैल्यू आती है उसमें उसे निकाल के पुट कर देना है पॉलिनोमियल में और हमारा आंसर इजीली आ जाएगा, ठीक है।